हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक की, जो कि एक ओरिजिनल फॉर्म में ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की, और इस ये एक डॉक्यूमेंट है इमेंस हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल वैल्यू का। इसमें आपको विमेन इन्वॉल्वमेंट का पता चलेगा INA में, और एक एज अ वॉरियर पता चलेगा, और भारत की इंडिपेंडेंस में उनके योगदान के बारे में पता चलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, INA अगर आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात ना हो तो फिर वो इनकम्प्लीट सा फील होता है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्या आप जानते हैं रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में? आप जानते हैं INA में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब उसको हेड करना स्टार्ट किया था तो किस तरह का बदलाव हुआ था? क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में हिटलर के सामने खड़े होकर कहा था कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए लेकिन हम आपकी नीतियों से सहमत नहीं है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो इंसान थे जो इतना स्टैंड ले सकते थे कि जापानीज की मदद उनको चाहिए थी INA के फॉर्मिंग, INA को रन करने के लिए, उसकी फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया के स्ट्रगल में उनको जापानीज की हेल्प चाहिए थी। लेकिन उन्होंने उस पे भी उनसे, उनके मिनिस्टर से साफ साफ कहा था कि भारत के आजाद होने के बाद आपकी अगर नीतियों में बदलाव नहीं होता, जो कि काफी ब्रूटल है, तो हम एक बार भी नहीं सोचेंगे कि एक टाइम पहले आप हमारे अलाय थे, आपने हमारी मदद करी थी। तो ऐसा इंसान जो इतना क्लियर हो, उसके बारे में आप ना जाने, एक अभूतपूर्व हिस्से के बारे में आप ना जाए तो जाने, तो ये तो समझना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग भी भारत के बारे में, INA के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना चाहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल और इंडियन विमेन वॉरियर फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम लोग डायरेक्ट बुक पे आते हैं। इस बुक को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहले चैप्टर में रानी लक्ष्मी, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जो उनका ओरिजिनल नाम था, उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन डॉक्टर मृणालिनी स्वामीनाथन की बहन है। मृणालिनी स्वामीनाथन वो है जो विक्रम साराभाई की वाइफ थी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी स्वामीनाथन, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास बाद हुआ था, और उनका घर का माहौल ऐसा था कि उनमें कास्ट वगैरह की कोई जगह नहीं थी, सबको इक्वली उनके फादर मानते थे, क्योंकि उनकी वेस्टर्न एजुकेशन थी। उनकी वाइफ जो उनसे उम्र में आधी से भी कम उम्र की थी, उनकी भी एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को शुरू से अपना स्टैंड रखना आता था, वो चाहती थी कि भारत के लिए वो कुछ करे। तो डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की पढ़ाई लिखाई, ऐसे एजुकेशन, बचपन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। फिर बाद में दूसरे चैप्टर में स्टार्ट होता है जब वो अपने डॉक्टर बन के सिंगापुर, बर्मा वगैरह जाती हैं। तो बर्मा में उनकी मुलाकात राज बिहारी जो बोस से होती है, जो उस समय INA को हेड कर रहे होते थे। वो भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सोचते थे, लेकिन इस तरीके से एज अ वॉरियर फोर्स बनाने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। वो समझते थे कि विमेन्स का इन्वॉल्वमेंट फ्रीडम स्ट्रगल में एज अ नर्स, एज अ केयर टेकर, एज अ हेल्प हो सकता है, लेकिन एज अ वॉरियर नहीं सोचा था। लेकिन उनको INA को उतनी सपोर्ट और हेल्प जापानीज से मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जापानीज उनको थोड़ा इन्फीरियर लेकर चलती थी, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, और भारत में भी INA की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि उसके उसके लिए एक ऐसा बना के रखा गया था व्यू कि ये एक जापानीज का पपेट है, इसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, ये सिर्फ जापानीज के हाथ में पपेट है। तो फिर एंट्री होती है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं, वो INA की कमान संभालते हैं, और INA में दिन एक दिन के अंदर ऐसी तब्दीली शुरू होती है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक विमेन फोर्स बनाई जाती है जिसमें डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को उसका कमांडर बनाया जाता है। उनको रिक्रूटमेंट का काम दिया जाता है कि आप रिक्रूट करिए और ही हमारी बहनों को, माताओं को इसके अंदर, और भारत के इंडिपेंडेंस के योगदान में मदद करिए। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती हैं। शुरू में उनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ज्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, मिडिल क्लास की होती हैं, तो फिर उनके घर वाले एग्री नहीं करते हैं। फिर एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन लोगों से मिलते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, और बस वो मोमेंट था। उसके बाद लोग ऐसे एग्री होते, लोग आने लगते, उनको समझ में आता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझते थे कि जो औरतें, जो महिलाएं शुरू से शोषण और दबना सीखती हुई आई है, उनको पता है गुलामी क्या होती है, उनको उस गुलामी से निकलने की जितनी जोश और जितनी इच्छा होगी वो उतनी ही है जितनी एक रिवोल्यूशनरी को होगी। उन्होंने उस इम्पोर्टेंस को समझा और वो इम्पोर्टेंस उनके अंदर जगाई। आपको पता है कि
सुभाष चंद्र बोस जब आईएनए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, कुछ लोगों के पास एक वॉलंटरी वो था कि आप लोग या आईएनए में ज्वाइन करिए या प्रिजनर ऑफ वॉर बन के चले जाइए। तो वो जो इंडियंस थे कुछ एग्री कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया बर्मा में, उस समय जो जन सैलाब था और लोगों के बीच जो उत्साह था वो वर्णन करने लायक नहीं है। बारिश शुरू हो गई थी लेकिन एक बंदा अपनी जगह से नहीं हिला और सबका एक ही नारा था कि हमें भारत की इंडिपेंडेंस में सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व चाहिए और हमें आगे बढ़ना है। वो खूनी हस्ताक्षर आपने सुना होगा ना, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो, सेम वो चीज थी। तो उसके बाद फिर ये शुरू होता है। एक चीज और, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात आती है तो मेरे से रुका नहीं जाता है, लगता है कि कितनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए आपको नहीं पता है। तो इसलिए बीच में रोक के मैं आपको बोल रही हूँ कि कनंड्रम बुक डॉक्टर अनुज सर की जरूर, मिस्टर अनुज सर की जरूर पढ़ी है। वो उनकी मिस्ट्री के ऊपर है, डेथ मिस्ट्री के ऊपर, और चंद्रचूर घोष की बोस जरूर पढ़िए अगर आप नेताजी को समझना और जानना चाहते हैं। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना एक पर्सनल बिलीफ थी रिलीजन को लेकर, लेकिन उनका बहुत साफ मानना था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। उनका एक विजन था कि जब भारत आजाद होगा तो हम ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स नहीं होगी, ऐसे देश का उद्धार नहीं हो पाता है। वो हिंदुस्तानी को भारत की भाषा बनाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने उसको साफ नकार दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां बर्मा में रन कर रही थी, उसकी स्वीकृति के लिए कांग्रेस के पास भेजा गया था डॉक्यूमेंट, कांग्रेस ने उसको भी नकार दिया। कांग्रेस का कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला उस समय की जो पार्टी थी, इवन बाद में भी। तो इतनी सारी फेसेस डील करते 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 ये कहानी इसकी आगे चलती है कि कैसे आईएनए की फोर्स इम्फाल बॉर्डर पे खड़ी होती है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती। अगर वो भारत में एक बार एंटर कर जाती तो भारत को कोई रोक नहीं सकता था, आईएनए को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसके बाद इसमें आता है, इसके बाद इसके जो 7 चैप्टर्स की आपसे बात करी गई थी, इसमें एक और चैप्टर आता है, फिर रंगून, सिंगापुर, मयामो, फिर बर्मा में क्या होता है। फिर उसके बाद जब इसमें और भी कई चीजें इसमें आपको पता चलेंगी, जापानीज के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपको अमेरिकन और रशियन का व्यूज भी पता चलेगा, आपको ऐसी बातें इसमें पता चलेंगी जो आपके रोंटे खड़े कर देंगी कि आईएनए के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हुआ, कांग्रेस ने क्यों उसका साथ नहीं दिया, अगर दिया होता तो क्या होता। फिर उसके बाद इसमें एक चैप्टर आता है कि जब भारत अंग्रेज छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर आते हैं, आईएनए के जो आर्मी मैन वगैरह होते हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है। उनको कई कई जगह तो उन लोगों को ना पेंशन मिलती है ना कुछ मिलती है, विमेन रेजिमेंट की जो लेडीज होती है उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलती, उनकी लाइफ काफी स्ट्रगल में जाती है। लेकिन एक चीज जरूर होती है, भले ही मॉनेटरी बेनिफिट ना मिला हो लेकिन उनके अंदर जो आत्मविश्वास भरा होता है ना, उस आत्मविश्वास को कोई कभी तोड़ नहीं पाया। इसके बाद का भी है कि डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने किस तरीके से 1984 के समय जो इमरजेंसी वगैरह हुई और जो सिख और हिंदू राइट हुई थी, उसमें इन्होंने कैसे कानपुर में रहकर, कानपुर में ये बेस्ड हो गई थी शादी के बाद, 1946 में इनकी शादी हुई थी, तो 1946 में कैसे उन्होंने उसमें योगदान दिया, कैसे व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करी, कैसे इन्होंने किस किस मिनिस्टर से हेल्प लेकर कैसे क्या किया, कितने लोगों ने हेल्प करी कितने लोगों ने नहीं करी, ये पूरा एक कच्चा चिट्ठा जिसको आप कह सकते हैं, जिसको नहीं पता होगा, कई लोगों को नहीं पता है। ये बुक एक्चुअली बहुत ही दुख की बात है कि ये कोई खरीदता नहीं है, बिकती नहीं है। मुझे, मेरे पास भी ये बुक काफी टाइम से पड़ी थी, मैंने सोचा था कि मैं इसको पढ़ू लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इस बुक को जरूर पढ़िए, एक आई ओपनर बुक है ये, सिर्फ फैक्ट और फैक्ट है इस बुक में और कुछ नहीं है। और नेताजी के बारे में जरूर पढ़िए, जरूर जरूर पढ़िए, क्योंकि उनकी डेथ मिस्ट्री एक मिस्ट्री बन के ही रह गई है, वो कोई प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। एक चीज और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर हबीबुर रहमान जो कि नेताजी के साथ कहा जाता है उस प्लेन क्रैश में थे जो तपाई में हुआ था, तो उन्होंने जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कॉल किया, उनके साथ कई एक्स आईएनए के मेंबर्स थे,
जो दूसरे कास्ट और दूसरे रिलीजन के थे, उन्होंने फोन किया कि हम भारत छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, हम यही रहना चाहते हैं क्योंकि यही हमारी कंट्री है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे कहा था कि आपका नया देश बन रहा है, आप उसमें जाइए। आपको पता था ये? मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये बुक पढ़ के पता चला। तो आई रियली आई हमली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 इस बुक को पढ़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी भारत की हिस्ट्री के कुछ समझने के लिए, उसके सिग्निफिकेंस के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इस बुक को। सिर्फ डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के बारे में आपको जानने को नहीं मिलेगा, इतनी कई चीजें भी जानने को मिलेंगी जो आपने सपने में भी कहीं नहीं सोची होंगी। ये बुक मैंने एक उससे ली थी, फेट लगा था उससे ली थी, अमेजोन वगैरह में किसी भी सोशल उस पे अवेलेबल है, ये इजली अवेलेबल है, कहीं कहीं पे आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई होगी, आई थिंक अमेजोन में था। इसका एमआरपी भी बहुत ज्यादा नहीं है और पेजेस भी इसके बहुत पतली सी बुक है, बहुत मतलब बहुत पतली भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मोटी बुक नहीं है, इसको आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपको लगेगा कि एक आप एक सिंसियरली रिटर्न एक डॉक्यूमेंटेड चीज पढ़ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं खो गई है। और लास्टली प्लीज चंद्रचूर घोष और अनुज धर की बुक जरूर पढ़िए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।